सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन बनाने वाले कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता दीपक जोशी ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। देवास में मध्याह्न भोजन बनाने वाले कर्मचारियों की यह हड़ताल जारी है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि हम 12 साल से स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उचित वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमें सिर्फ 2,000 रुपए वेतन दिया जाता है। ऐसे में हमारा गुजारा कैसे हो? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इनका समर्थन करने पहुंचे पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि सरकार लाडली बहना योजना लाकर महिलाओं को 1,000 रुपए दे रही है और वो अपने विज्ञापनों में कह रही है कि 1,000 रुपए में बच्चों का जन्मदिन मनाना, श्रृंगार का सामान खरीदना, लेकिन आप बताओ बहनों 1,000 रुपए में इतना सामान आता है क्या? नहीं ना, ये सिर्फ आपके साथ धोखा है और कुछ नहीं। दीपक जोशी ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार कर दिया है और नौकरी उनको दे रही है जिनके पास पैसा है। दीपक जोशी ने कहा कि आपको जो 2,000 रुपए दिए जाते हैं वो भी समय पर नहीं दिया जाता है। दीपक जोशी ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त हम बनाएंगे। 2005-06 में लाडली लक्ष्मी जैसी योजना लाए गए, हमको लगा कि हमको तो 1,18,000 रुपये मिलेगा। आज वो 1,18,000 रुपये नहीं है, अभी तक क्या है? आज ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपये ले लो। वो शादी करके वो सब बहनों को लाइन में लगा दिया सब तो लाइन में लग गई थी। कितनी जगह तो चप्पल जूते ही छोड़ के जाना पड़ा, रात भर इंतजार करती रही हमारी बहन बेटियाँ, लेकिन पैसा नहीं आया। और 1,000 रुपये में क्या होगा? वो कह रहा है विज्ञापन में बच्चे का जन्मदिन मनाना, बच्चे के लिए नए कपड़े लाना, बच्चे की फीस भर देना, अपने लिए लिपस्टिक पिस्टिक क्या की, सब तो मामा कहता है। क्या 1,000 रुपये में आता है क्या? आज जो भांजा भांजी 2006-07 में था 6 साल का, वो आ गया 22-23 साल। लड़कियाँ तो शादी लायक है और लड़का है तो काम करने लायक है, आज नौकरियाँ नहीं है। और नौकरी है भी तो किसके लिए है? 15-15 लाख रुपए देकर जो पटवारी बन सकता उसके लिए, गरीब के लिए नहीं है। गरीब 15 लाख कहाँ से लेके आएगा? गरीब पैसे लेके नहीं आ सकता। दूसरी तरफ उन्होंने कहा मैं सब काम स्वयं सहायता समूह को दे दूंगा, मैं खुद शिक्षा मंत्री चाहता हूँ। और हमने कहा कि बहुत अच्छी फैसला है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सब बहनों को काम मिल जाएगा, लेकिन बहनों को काम देने के बजाय दिया किनको गया? बड़े बड़े घरानों को, और नाम स्वयं सहायता समूह का रहा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।